ये ऐसा है कि साइंस सेक्शन के दूसरा पार्ट है और इसके अंदर हम फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। मैरी क्यूरी पूछा जा सकता है, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दो ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने इनकी खोज की थी और इसके इनको नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। फिजिक्स का पहला नोबल पुरस्कार जिस महिला को मिला था वो मैरी क्यूरी थी। उसके अलावा डोना स्ट्रिकलैंड को अभी रिसेंटली मिला है, हालांकि वो अभी मिला है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अपने को ध्यान में रखना है कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी। और रेडियम क्या एक नोबल गैस है? कैसे? नोबल एलिमेंट है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समायोजी। तो समभारिक कहलाता है, आइसोभार। यानी कैसे ध्यान रखना था, द्रव्यमान संख्या मतलब भार, तो यह द्रव्यमान संख्या होती है भार। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, उसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है या उसका जो भार होता है उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या सम्मिलित रूप से उस क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। और ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इस तरह से जिनके परमाणु क्रमांक समान वो क्या होते हैं? समस्थानिक। और जिनके द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान या भार जो समान हो क्या होते हैं? समभारिक। अगला जो सवाल इसमें पूछा गया है कि शीशा पेंसिल में शीशे की प्रतिशतता को कितनी होती है? लेड पेंसिल में तो लेड पेंसिल के अंदर 0% होती है। कितनी होती है? 0%। लेड पेंसिल के अंदर बिल्कुल भी लेड नहीं होता, ग्रेफाइट से बनी होती है लेड पेंसिल। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो विद्युत का चालक होता है। कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जिसमें से ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, जो अपन HB पेंसिल यूज करते हैं तो उसके अंदर लेड 0 होता है। इसके आसपास का सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर 0 होता है। तो ये ऐसे हैं कि जिनके नाम के अंदर तो वो होता है लेकिन वो रियलिटी में उसके अंदर नहीं होता, जैसे लेड पेंसिल के अंदर लेड नहीं होता। अगला जो सवाल है वो ब्रॉन्ज किससे मिलकर के बना होता है? कांसा। तो कांसा मिलकर के बना होता है कॉपर और टिन से, CuSn, CuSn। सन से याद रख लो, कांसा में भी से आ रहा है और Sn टिन का जो मात्रक होता है वो Sn होता है, उसमें भी सन आ रहा है। तो सन से याद रख लो कि कांसा के अंदर क्या होता है? कॉपर एंड टिन। और जस्ता के अंदर क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। ठीक है, कॉपर एंड टिन किसके अंदर होता है? कांसा के अंदर कॉपर एंड टिन होता था। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक मिश्र धातु होती है, एक मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यूनिफाइड मिक्सचर वो क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, हीलियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात क्या होता है? तो हीलियम होता है 2He4। हीलियम एक नोबल गैस है, 2He4। तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और अपन ने बताया था कि उसकी द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? 4। और अपन ने बताया था द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। हमें कैसे पता चला कि 2 प्रोटॉन होते हैं? क्योंकि हमने बताया कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 2। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए? 2। और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी? 4। तो 4 में 2 गए तो कितने न्यूट्रॉन बचे? 2। तो 2:2:2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:1:1। तो ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल, रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित बीटा किरण होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा तीन तरह की किरणें उत्सर्जित होती हैं। अल्फा जो होते हैं वो तो होते हैं हीलियम के नाभिक, 2He4 हीलियम के नाभिक होते हैं, इनकी भेदन क्षमता कम होती है, और गामा की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और बीटा क्या होते हैं? बीटा होते हैं तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन। और गामा क्या होते हैं? आवेश विहीन। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की होती है। अल्फा कण होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं और बीटा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है इसके आसपास की बातें। अगला जो सवाल है थायराइड की समस्या के लिए, थायराइड ग्रंथि जो हमारे ये ईसोफेगस या गले में पाई जाती है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है,
थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करते हो। जब भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉयड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और उसको गलूघोट बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन ही हमेशा थायरॉयड के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो इसके उपचार में आयोडीन 125 का उपचार करते हैं और कोबाल्ट 60 का उपचार कैंसर के अंदर करते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना। अगला जो सवाल है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर, ओनली एंड ओनली पदार्थ की प्रकृति पर। इसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध नाम देते तो भी वो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। केवल पदार्थ, उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी बोले नहीं, केवल पदार्थ की प्रकृति पर। ऐसे देते कि भाई एक है, उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो पदार्थ बदल नहीं दिया जाए, यानी कि दूसरा पदार्थ नहीं ले लिया। एक तो ये इसके अंदर पूछा जाता है, तो ये इसके अंदर देख लिया। इसके अलावा प्रतिरोध से सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी आगे दिया गया। तो प्रतिरोध से जो सवाल आता है, आर बराबर प्रतिरोध का सूत्र याद रखना है, रोल बाई ए। क्या? रोल बाई ए। और ये रो क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। एल लंबाई है और ए क्या है? क्षेत्रफल। तो रोल बाई ए याद रखना। और फिर बोले कि तार की मोटाई को इतना करते और उसकी लंबाई को इतना करते, तो ये सूत्र बिठाना और आराम से उत्तर ले आना। तो आर बराबर रोल बाई ए, ये सूत्र अपने ध्यान में रखना है। और इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसका मात्रक ओम होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ये भी पूछा जा सकता है, ये एलडीसी में पूछा था, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसका? विशिष्ट विद्युत प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अगला सवाल पूछा गया कि पांच प्रतिरोधों में जिनका इतना 1/5 ओम है दिया गया है, 1/5, और ये अधिकतम पूछे। तो अधिकतम प्रतिरोध कब होता है? जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1+R2+R3। तो 1/5 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूनतम पहुँचता तो इसको किस में जोड़ते? समांतर क्रम में जोड़ते। किस में जोड़ते? समांतर क्रम में जोड़ते। ये तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम प्रतिरोध अधिकतम और समांतर क्रम में क्या होता है? न्यूनतम। प्रतिरोध की बात आई तो हमें ओम का नियम भी पता होना चाहिए कि ओम का नियम केवल और केवल किस पर लगता है? चालकों पर लगता है, अर्धचालकों को चालकों पर नहीं लगता। और कब लगता है? विशिष्ट नियत ताप और दाब पर ही लगता है, नियत ताप और दाब। तो ओम का नियम चालकों पर लगता है, नियत ताप और दाब पर, अर्धचालकों और कुचालकों पर नहीं लगता। ये अपने को फैक्ट ध्यान रखना। अगला सवाल इसके अंदर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो विद्युत बल्ब, CFL, क्लोरोसेंट ट्यूब, MCB। MCB की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो आजकल फ्यूज तार की जगह अपन यूज करते हैं। फ्यूज तार से संबंधित भी सवाल आ सकता है। फ्यूज तार बना होता है लेड का और टिन का, SN PBSN का ये बना होता है फ्यूज तार। और इसका गलनांक क्या होना चाहिए? भाई तुम्हारे घर में ऐसा फ्यूज तार होना चाहिए जिसका यदि बिजली थोड़ी सी दे जाए तो आराम से गल जाए और उड़ जाए, या ऐसा फ्यूज तार चाहोगे उसका गलनांक बहुत ज़्यादा और उड़े नहीं और सारे उपकरण फूक जाए उसके बाद फ्यूज तार। तो इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। और इसका प्रतिरोध भी क्या होता है? कम। क्या तुम ऐसा फ्यूज तार लगाना चाहोगे जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो और वो तुम्हारे घर के अंदर बिजली नहीं जाने दे? तो प्रतिरोध भी फ्यूज तार का कम होता है और गलनांक भी कम होता है। और फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड और टिन का बना होता है। किसका बना होता है? लेड और टिन का। और MCB आजकल यूज करते हैं फ्यूज तार की जगह, तो वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकेट। और विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए तो CFL पहले था, ये पुराना पेपर है। आजकल LED अगर आएगा तो इसके अंदर LED ऑप्शन आएगा, तो LED करेक्ट। यहाँ इस सवाल के अंदर क्या? CFL करेक्ट। अगला जो सवाल है इसके अंदर वो है, परिपथ एवं युक्तियों में उच्च धारा को प्रवाहित होने से रोकने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो ये आपने बता दिया फ्यूज तार, अभी बात की और वो अगले के अंदर पूछा है। तो फ्यूज तार के अंदर सारी बता दिया कि वो लेड और टिन का बना होता है और गलनांक भी उसका कम होना चाहिए और प्रतिरोध भी उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03।
या तो ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, या ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से आर्गन का मात्रा ज़्यादा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आर्गन की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होती है कार्बन की तुलना में। आर्गन की मात्रा होती है 0.3 और कार्बन की होती है 0.03। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ये भी पूछा जा सकता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 CH4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। CH4 को बायोगैस भी कहते हैं, मीथेन है जो बायोगैस के काम में भी आती है। CNG के अंदर भी क्या होती है? CH4 ही होती है। क्या होती है? CH4। LPG के अंदर CH4 नहीं होती, LPG के अंदर होता है प्रोपेनॉल, प्रोपेन और ब्यूटेनॉल। क्या होता है? प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। LPG के अंदर P4 प्रोपेन से याद रखने ला, LPG और CNG। और LPG और CNG की तुलना में बढ़िया कौन सी होती है? तो CNG बढ़िया होती है क्योंकि हल्की होती है और अगर रिसाव होता है तो ये उड़ जाती है। LPG में रिसाव होता है तो रसोई के अंदर जमा हो जाती है और विस्फोट का खतरा होता है। तो CNG के अंदर क्या होती है? CH4 या मिथेन होती है, और मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल इससे संबंधित पूछा ही गया है, वो अपन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की इसके अंदर वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बाकी ईंधन का दहन, तापीय शक्ति के संयंत्र, ये सारे के सारे वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। वायु प्रदूषण की बात आई तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है कि वायु प्रदूषण में एक होता है, जल प्रदूषण में एक होता है BOD। तो BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कोई भी जीव जो जल के अंदर है, यदि जल के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है तो उनको नष्ट करने के लिए उसको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो उसको कहते हैं BOD। और एक होती है CO2, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो CO2 ज़्यादा होती है BOD से, ये फैक्ट तुम्हें ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ग्रीन हाउस के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने बता दिया, मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन नहीं होती, यानी होती है नाइट्रोजन। इसकी जगह कौन सी होती है? CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान में रखना है, अपन ने पहले बता दिया। अम्लीय वर्षा के लिए जल में पाए जाने वाले, तो अम्लीय वर्षा भी इंपॉर्टेंट होती है। एसिडिक अम्लीय वर्षा का या तो pH पूछ लेगा, pH होता है अम्ल, अम्ल का pH क्या होता है? 5-7 से कम, तो 5.6 के आसपास इसकी pH होती है अम्लीय वर्षा की, पहली बात हुई। दूसरी बात, अम्लीय वर्षा होती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका उत्तर है। नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल देगा, या फिर बोल देगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड, दोनों से अम्लीय वर्षा होती है। और ये इमारती पत्थरों को या फिर ये आगरा का ताजमहल उसको नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा ही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये अम्लीय वर्षा की बात, और इसकी खोज किसने की थी? अगस्त ने इसकी खोज की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मानव की, मनुष्य की सामान्य श्रवण क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक मानव की श्रवण क्षमता होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं सोनिक, और उससे नीचे की होती है 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं सब सोनिक। क्या बोलते हैं? सब सोनिक। और 20 किलो हर्ट्ज से यदि ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक का उपयोग USG के अंदर किया जाता है। और USG कौन से प्रभाव पर काम करती है? पीचो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? पीचो। ये जो सोनोग्राफी वो किस पर काम करती है? पीचो पर। किस पर? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, सोनोग्राफी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करती है, अल्ट्रासोनिक, सब सोनिक और सोनिक। अल्ट्रा सब सोनिक वेव को अब सर्वे तरंगों को कौन सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं चमगादड़। ये कुछ कंप्यूटर के सवाल हैं तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आई थिंक पूछा नहीं जाएगा। हाँ, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? ये इसके अंदर दिया गया है। तो जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो था स्पूतनिक। कौन सा था? स्पूतनिक। और ये रशिया ने भेजा था 1958 में। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्टा था, वो भी रशिया की हेल्प से हमने छोड़ा था। और भारत का खुद के लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया वो कौन सा था? खुद के लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया उपकरण, यानी खुद के लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया था, वो था रोहिणी। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें याद रख लो। दो तरह के लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, एक तो PSLV और एक होता है GSLV। PSLV के अंदर 4 खाने होते हैं, और उस 4 खाने में पहले खाने में सॉलिड भरा होता है, दूसरे के अंदर लिक्विड, तीसरे के अंदर सॉलिड, चौथे के अंदर लिक्विड। यानी पहले और तीसरे के अंदर तो होता है लिक्विड सॉलिड, और दूसरे और चौथे के अंदर होता है लिक्विड, PSLV लॉन्चिंग व्हीकल के अंदर। और चंद्रमा पर चंद्रयान PSLV 11 से गए थे, और मंगलयान
मंगल अभियान हमने किया था PSLV 25 से लॉन्च किया था। इसके अलावा एक होता है GSLV। GSLV से ज़्यादा भारी सैटेलाइट छोड़ जाते हैं, इतना ध्यान रख लो। और GSLV के अंदर होते हैं 3 खाने। कितने खाने होते हैं? 3। पहले खाने के अंदर सॉलिड भरा होता है, हमेशा ध्यान रखो, पहले के अंदर सॉलिड भरा रहता है, दूसरे के अंदर लिक्विड होता है, और तीसरे के अंदर इसके अंदर होता है क्रायोजेनिक तकनीक। किसमें? GSLV में, ठीक है। GSLV के अंदर होता है क्रायोजेनिक, और क्रायोजेनिक तकनीक, क्रायोजेनिक नाम जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब है कि माइनस में तापमान, यानी कि अति न्यून तापमान पर इसके अंदर ईंधन भरा जाता है। और ईंधन के रूप में इसमें क्या भरा जाती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन GSLV के अंदर। तो ये ध्यान में रखना, GSLV के अंदर 3 खाने और PSLV के अंदर 4 खाने होते हैं। इसके अलावा भारत ने अपना 100वां सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? तो ये अपन ने बता दिया कि 104 सैटेलाइट अभी तक इसरो ने सबसे अधिकतम लॉन्च किए थे, और वो वैलेंटाइन डे के दूसरे दिन, ऐसे याद रख लो। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को आता है, तो उसके दूसरे दिन 15 फरवरी को 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व कीर्तिमान बनाया था इसरो ने। और इसरो ने अपना 100वां अभियान लॉन्च किया, 100वां अभियान लॉन्च किया था 12 जनवरी 2018 को। 12 जनवरी 2018। और इसरो प्लान बना रहा है कि भाई अंतरिक्ष में 3 यात्रियों को भेजेगा, तो उस अभियान का नाम क्या है? गगनयान। कौन सा? गगनयान। गगन अभियान जो है वो इसरो अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए, और सूर्य का जो अभियान है इसरो का, उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। आदित्य L1। तो ये कुछ इससे इस स्पेस टेक्नोलॉजी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर और जो क्वेश्चन है वो पराबैंगनी किरणों से कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वो त्वचा, स्किन प्रभावित होती है। और पराबैंगनी को रोकती कौन है? समताप मंडल के अंदर एक परत होती है, और उसको बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत पहली बात होती है कहाँ पर? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई, यानी इतनी मोटी, और यदि इसकी मोटाई कम हो जाए, इतनी हो जाए, तो उसको बोलते हैं ओजोन होल, ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र, ठीक है। ओजोन छिद्र क्या? ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। और इसके अलावा ओजोन परत की मोटाई को कमी करने वाले पदार्थ CFC वगैरह होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको नियंत्रित करने के लिए एक प्रोटोकॉल, वो कौन सा था? मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। मोनोट्रियल, 2 प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, एक तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल और एक होता है क्यूटो प्रोटोकॉल। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन से। और क्यूटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस से, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आता है, और क्यूटो में भी क्या आता है, क्या है? तो ये ध्यान रखना, क्यूटो तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैस से, ग्लोबल वार्मिंग से, और मोनोट्रियल प्रोटोकॉल किससे? ओजोन लेयर से। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ये ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। और यदि ये पराबैंगनी किरणें आएँ तो हमारे कौन से भाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी? स्किन को। तो ये ओजोन से संबंधित फैक्ट। इसके अलावा पर्यावरण की बात हो रही है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इस बार पर्यावरण दिवस भारत में मनाया गया था, और इसकी जो थीम थी वो तय की जाती है बीट द प्लास्टिक, प्लास्टिक को बीट करो। तो प्लास्टिक थोड़ा ध्यान रखना, प्लास्टिक किसकी थीम थी? पर्यावरण दिवस की, ठीक है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो ब्लड समूह से पूछा गया, तो ब्लड समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। RH फैक्टर से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, RH पॉजिटिव पुरुष का भी, RH नेगेटिव महिला से करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान रखना, पॉजिटिव पुरुष और नेगेटिव महिला। तो जो बच्चे के अंदर जो रोग होता है उसको क्या नाम बोलते थे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, ये रोग हो जाता है। और दूसरी डिलीवरी में उसको दिक्कत आती है, तो उसके लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? IgG का एंटीडोट देते हैं, IgE एंटीबॉडी का। किसका? IgE एंटीबॉडी का एंटीडोट देते हैं। इसके अलावा सर CV रमन को कौन से सेक्टर के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये पूछा जाता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर CV रमन को। और 28 फरवरी को इनका जन्मदिन आता है, और 28 फरवरी को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो W. रंजन ऑक्सर एक्सरे का आविष्कार किया था। और कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसकी? केंद्रक की। और जेम्स वॉटसन और किर्क ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। और DNA के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए जेम्स वॉटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन, किसको? जेम्स वॉटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन को नोबल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबल पुरस्कार, इन तीनों को। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम थोड़ा देख जाना अगर टाइम है तो,
और कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप भी थोड़ा सा देख जाना अगर है तो वहाँ जेके में तुम्हारे पॉसिबिलिटी है सवाल आने की। खेल रत्न अवार्ड इस बार विराट कोहली और मीरा भाई चानू को दिया गया है, तो ये अगर पेपर डिले प्रिंट हुआ होगा तो ये आ सकता है, मीरा भाई चानू और विराट कोहली। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना, होप्स आपके एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा हो कल और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करके आओ। थैंक यू सो मच, गुड लक अगेन।